हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास लोकल मेट का एक टीवी आया है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए। चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता देता हूँ। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद देखिए हमारा पावर इंडिकेटर जल जाता है। जलने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर बंद हो गया है, मतलब हमारा टीवी स्टैंड बाई मोड से रिलीज भी हो गया है। अंदर में टीवी का साउंड आ रहा है लेकिन टीवी पे पूरा रिक्टर स्क्रीन आ रहा है। जो फिकरिंग कर रहा है पिक्चर वो हमारा कैमरा से हो रहा है, लेकिन ये वाला जो रिक्टेक्स लाइन फुल रिक्टेक्स लाइन होके आ रहा है। अंदर में थोड़ा सा एक पिक्चर दिख रहा है, देखिए देखिए हल्का सा एक पिक्चर है अंदर में, और हमारा पूरी तरह से क्लियर स्क्रीन नहीं है। मतलब हमारा जो आज का प्रॉब्लम है वो टीवी हाई स्क्रीन हो गया है। मतलब हमारा जो प्रीसेट जैसे बढ़ाने से होता है ऐसे वाला प्रॉब्लम आ गया है। जो नीचे वाला जो ESD का प्रीसेट होता है वो प्रीसेट जब हाई हो जाता है तब ऐसे वाला प्रॉब्लम आता है। लेकिन दोस्तों खोलने के बाद ही पता चलेगा ये हमारा 180 से प्रॉब्लम आ रहा है या हमारा कुछ अदर्स प्रॉब्लम है, जो देखने से पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ, देख सकते हैं हमारा ये मॉनिटर का ट्यूब दिया गया है। लोकल मेट का टीवी है। ये रहा बेसबोर्ड, ये रहा पिक्चर ट्यूब, और ये रहा हमारा मेन PCB। दोस्तों जो प्रॉब्लम आ रहा है हमारा बेसबोर्ड से आ रहा है। बेसबोर्ड पे जो हमारा 180 वोल्ट आने के बाद 120 वोल्ट 200 वोल्ट आने के बाद हमारा ट्यूब पे जो पिक्चर फिल्टरिंग होता है वो वाला प्रॉब्लम देखिए कैसे आ रहा है। ये जो हमारा 200 वोल्ट का जो पॉइंट है, ये 200 का वोल्ट का पॉइंट है, रेजिस्टेंस लगा के हमारा कलर को फिल्टरिंग करने के लिए रखा है। जो कलर फिल्टरिंग करने के लिए जो हमारा 200 वोल्ट मिलता है वो 200 वोल्ट 180 वोल्ट जो मिलता है हमारा इस वाला पॉइंट पे होता है। ये वाला वोल्टेज हमारा आता है ESD पे, ESD से आता है, और इस पे आने के बाद हमारा जो वोल्टेज होता है वो देखिए हमारा 98 बता रहा है। मतलब दोस्तों जिस पे हमारा 180 तक आना चाहिए था वो वाला वोल्टेज हमारा 98 आ रहा है। मतलब 100 वोल्ट तक हमारा मिसिंग है। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला वोल्टेज हमारा ESD से आता है और ESD से वोल्टेज बनता है। इसीलिए क्या करेंगे, ESD सेक्शन को देखेंगे। उससे पहले आपको आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारा नीचे वाला प्रीसेट होता है, नीचे वाला जो प्रीसेट हमारा स्क्रीन के लिए प्रीसेट होता है वो वाला प्रीसेट हमारा जब ज़्यादा हो जाता है इसी वाला प्रॉब्लम होता है। मैं इसको लो कर देता हूँ। लो करने से हमारा लाइट बंद हो जाता है लेकिन ये वाला रिट्रेस नहीं हटता है। इसीलिए क्या करेंगे, हमारा रिट्रेस हटाने के लिए इस वाला वोल्टेज को सही करना जरूरी है, नहीं तो हमारा ये वाला फोकस स्क्रीन नहीं होगा। नीचे वाला जो स्क्रीन का प्रीसेट है वो प्रीसेट जो हमारा स्क्रीन का वोल्टेज देता है वो वोल्टेज क्लियर नहीं होगा, और हमारा जो 200 वोल्ट नहीं मिलेगा तो पिक्चर भी क्लियर नहीं होगा। इसीलिए क्या करेंगे, एक एक वोल्टेज जो हमारा 200 वोल्ट जो मिसिंग हो गया है वो वाला वोल्टेज को चेक कर लेंगे। देखिए मैं अभी इसको फिर से चेक कर रहा हूँ। देखिए हमारा 34 आ रहा है। जब प्रीसेट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो इस पर वोल्टेज 98 तक आ रहा था लेकिन हमारा पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा था। इसलिए क्या करेंगे, मेन PCB पे जाएंगे और देखेंगे हमारा जो 200 वोल्ट 180 वोल्ट बनता है वो क्यों नहीं बन रहा है। एक तो दोस्तों हमारा एक कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, या हमारा ESD से जो वोल्टेज निकलता है वो वाला वोल्टेज सही तरीके से नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, PCB को चेक कर लेते हैं। दोस्तों मैंने PCB को पलट चुका हूँ। पलटने के बाद देखिए हमारा ESD से जो वोल्टेज निकलता है, एक तो हमारा 180 वोल्ट ABL का पॉइंट, हीटर का वोल्टेज, और ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल जो बूस्टिंग का पॉइंट होता है वो वाला पॉइंट। लेकिन ये वाला जो 180 वोल्ट जो हमारा डायोड भाया करके, हमारा कैपेसिटर भाया करके हमारा ये वाला पॉइंट पे दिया गया है, जो हमारा बेस बोर्ड को कनेक्टेड है, वो वाला वोल्टेज हमारा मिसिंग हो गया है। इसलिए क्या करेंगे, पहले तो दोस्तों मैं टीवी को फिर से पावर देता हूँ। पावर देने के बाद इस पर चेक कर लेते हैं। जो इस पे हमारा 180 वोल्ट आना चाहिए इस वाला पॉइंट पे, वो देखिए हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है वो देखेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, जो इस वाला पॉइंट पे हमारा 180 वोल्ट आना चाहिए उस पे हमारा 33 वोल्ट आ रहा है। वो प्रीसेट बढ़ाने से थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, हमारा जो कैपेसिटर है
कैपेसिटर पे हमारा 180 वोल्ट आने के बाद इस पे हमारा वोल्टेज, हमारा देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 174। मतलब दोस्तों ESD हमारा वोल्टेज बना रहा है, ESD से जो कनेक्टेड है कैपेसिटर वोल्टेज फिल्टरिंग कर रहा है जो हमारा 180 वोल्ट, इस पे 175 दिख रहा है। मतलब हमारा अभी तक इस पॉइंट्स पे हमारा वोल्टेज सही दिख रहा है। इस वाला पॉइंट पे भी हमारा देखेंगे, इस वाला पॉइंट पे देखिए, ये जो हमारा जंपिंग दिया गया है, जंपर दिया गया है, जंपर के इस वाला पॉइंट पे हमारा 175 वोल्ट दिख रहा है, लेकिन जंपर के दूसरी तरफ, ये वाला दूसरी तरफ पे हमारा 33 वोल्ट दिख रहा है। मतलब इस वाला जंपर हमारा ख़राब हो चुका है, इसीलिए इस वाला इनपुट पे तो हमारा वोल्टेज है लेकिन आउटपुट पे हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या प्रॉब्लम हुआ है वो देख लेते हैं। ये देखिए हमारा इस पे एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जो ये हमारा हीटर के लिए दिया गया है, और दो रेजिस्टेंस दिया गया है जो हमारा ABL IK के कंट्रोल में लेता है, और तीसरा पॉइंट जो होता है ये वाला जो जंपर दिया गया है, ये जंपर हमारा ख़राब हो चुका है। ये जंपर से देखिए जंपर हमारा ओपन है, ये जंपर ओपन हो चुका है, इसीलिए हमारा इनपुट पे तो वोल्टेज आ रहा है लेकिन आउटपुट पे हमारा वोल्टेज नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, एक जम्पर लेंगे और जम्पर लेने के बाद इस पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद देखते हैं हमारा जो वोल्टेज नहीं पहुंच रहा था, और इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज नहीं था, 33 वोल्ट दिख रहा था, वो वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज आने के बाद किधर कैसे वाला पिक्चर आता है वो देख लेंगे। इसीलिए क्या करेंगे, मैं एक वायर लूँगा, वायर लेके इस पे कनेक्ट कर दूँगा, जो जंपर था हमारा वो जंपर पे जंपरिंग कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, जो हमारा ये वाला जंपर काट गया था, वो वाला जंपर को मैंने एक वायर से कनेक्ट कर चुका हूँ, देख सकते हैं कनेक्ट कर चुका हूँ। और कनेक्ट कर देने के बाद जो हमारा इनपुट पे हमारा वोल्टेज था 174 वोल्ट, और आउटपुट पे भी हमारा वही वोल्ट मिलना चाहिए, देखिए वोल्टेज वही वोल्टेज मिल रहा है दोनों पॉइंट पे, और हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो वाला पिक्चर भी सही तरीके से आना चाहिए। और इस पे जो हमारा वोल्टेज मिसिंग था, इस वाला पॉइंट पे हमारा 180 वोल्ट का जो वोल्टेज मिसिंग था, 73 74 इतना वोल्टेज आ रहा था, देखिए हमारा 173 वोल्ट आ चुका है। और आने के बाद मैं पिक्चर दूंगा, और पिक्चर देने के बाद देखेंगे हमारा टीवी पे कैसे आ रहा है। मैं टीवी को बंद कर देता हूँ, बंद करने के बाद फिर से पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा टीवी पे देखेंगे हमारा जो AV लिखा होता है वो AV लिखा आ रहा है कि नहीं। देखिए हमारा AV2 जो लिखा होता है वो AV2 लिखा आ रहा है। मतलब दोस्तों हमारा टीवी पे जो वोल्टेज का प्रॉब्लम देने के बाद हमारा हाई स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन आ गया था, वो वाला हाई व्हाइट स्क्रीन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और हमारा टीवी पे पिक्चर लगा के देखेंगे, और पिक्चर लगाने के बाद क्या होता है वो देख लेते हैं। दोस्तों मैंने PCB को फिर से कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट कर देने के बाद हमारा टीवी पे AV कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद टीवी को फिर से पावर देता हूँ। पावर देने के बाद देखते हैं हमारा टीवी पे कैसे पिक्चर आता है। देखिए दोस्तों हमारा टीवी पे पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा था और क्यों आ रहा था फिर से एक बार बता देता हूँ। दोस्तों जब मैं टीवी को देखा तो हमारा इस पे व्हाइट स्क्रीन हमारा हाई हो गया था, वो व्हाइट स्क्रीन हाई होने का मतलब हमारा इस पे 180 वोल्ट मिसिंग था। जब मैंने चेक किया तो इस पे 74 उसके बाद 34 इतना वोल्टेज दिख रहा था। मैंने जब चेक किया तो हमारा ESD से जो वोल्टेज निकलता है 200 वोल्ट 180 वोल्ट, ये कैपेसिटर ज़्यादातर हमारा ख़राब हो जाता है, लेकिन मैंने जब देखा कैपेसिटर हमारा सही निकला। उसके बाद देखा तो इस पे जो जंपरिंग दिया गया था 180 वोल्ट का
वो 180 वोल्ट इस पे ट्रैक पे जो जाने का कनेक्टेड था वो वाला कनेक्टेड हमारा हट गया था जम्पर, इसीलिए मैंने क्या किया एक ऑयल लिया। ऑयल लेने के बाद इस पे कनेक्ट करने के बाद हमारा इस वाला पॉइंट पे जो हमारा 33 वोल्ट आ रहा था उस पे हमारा 172 आगे आ चुका है। उसके बाद हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो वाला पिक्चर भी पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।